Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ में मंगल पांडे नगर स्थित धर्मकांटे पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों में धर्मकांटे पर पूर्व में काम करने वाला भी शामिल है। एक मामले में जेल गए कर्मचारी ने वहां मिले बदमाशों से मिलकर लूट की योजना बनाई व अंजाम दी। इस घटना का एक अजीब पहलू लूट की रकम है। धर्मकांटा संचालक के मुताबिक 3,20,000 रुपए बदमाशों ने लूटे थे, जबकि बदमाशों का कहना है कि उन्होंने 1,33,000 रुपए लूटे हैं। जांच जारी है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। गिरफ्तार बदमाशों में भूदेव अक्की निवासी नेहरू रोड बड़ौत, निशांत छोटू आजाद नगर बड़ौत, आसिफ आर्य नगर बड़ौत व करण यमुना विहार दिल्ली शामिल है। गिरफ्तार लोगों को मंगलवार को पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। 13 तारीख को सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास एक बालू और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो आड़ती थे उनके प्रतिष्ठान पर पहुंच के कुछ लोगों ने उनके दरवाजे पर फायर करके उनको आतंकित करके उनके गल्ले उनके काउंटर में रखे हुए पैसे जो है लूट करके चले गए थे। पुलिस के लिए चैलेंज था। इसको एसपी क्राइम साहब के विशेष निर्देशन में इनकी जो एसओजी की टीम है उन्होंने और थाना मेडिकल की टीम ने मिल करके इसका खुलासा किया है। बहुत जल्दी खुलासा किया है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस कार्रवाई के दौरान हमारे एसओजी के सिपाहियों ने बहुत मेहनत करके अपनी जान पर खेल करके इसमें कार्रवाई करी है। आपको शायद जानकारी ना हो बहुत से लोगों को, इसमें 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक हाई टेंशन बिजली की लाइन से जो है और काफ़ी बुरी स्थिति में उनको एडमिट कराया गया। तो लेकिन उस दिन ये बदमाश हमारे कब्जे में नहीं आए। काफ़ी उसके बाद भी टीम लगी रही और अब वो दोनों सिपाही अभी भी जो है वो स्थिति उनकी काफ़ी नाजुक बनी हुई है। और इसमें से ये सोनीपत में जा करके छिपे हुए थे बदमाश, बड़ौत के रहने वाले हैं। 3 व्यक्ति बड़ौत के परमानेंट निवासी हैं, चौथा जो है वो यमुना विहार में रहता है। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें और घटना में प्रयुक्त जो असलहे थे वो और लूटी गई जो संपत्ति है उसमें से एक कुछ रकम की बरामदगी करी। देखिए अभी तक जो जानकारी में आया है कि कोई एक व्यक्ति जो पहले कभी यहाँ पर इनके काम किया करता था, कौन वाजिद, उसके द्वारा जो है इस बात की सूचना इन लोगों को दी गई थी कि ये यहाँ पर इनके पास सवेरे के समय पैसे रहते हैं और भीड़ भाड़ नहीं होती है, डेली पैसे लेकर के आते हैं। इस बात की सूचना उसने दी थी। उसी टिप ऑफ पर ये काम किया गया था। ये चूँकि चेहरा खोल करके आए थे बदमाश, तो इनका जो है इनकी पहचान जो है करना भी हमारे लिए काफ़ी चैलेंज का काम था। तो इसमें ये जो भूदेव, निशांत, आसिफ और करण, ये 4 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।